पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी बहुत दूर तक जाना है। जी हाँ, उमंगों के बाज़ार में मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। और इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल की वो तमाम छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको इस पूजा में ख़रीदारी में बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं। हमारा शुरू हो चुका है और कहते हैं कि सफर सुहाना तभी हो सकता है जब आपका हमसफर आपके जैसा हो, आपके हर कदम पर आपका साथ निभाए। और अगर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं और अगर हम एक ऐसे हमसफर की तलाश में निकले हैं जो आपका और हमारा साथ कैसे दे, तो सबसे पहले आपको मैं मिलवा रही हूँ होंडा सिटी से। जी हाँ, होंडा सिटी, अगर आप देखें होंडा सिटी की रेपुटेशन इस फोर व्हीलर सेगमेंट में, होंडा सिटी की रेपुटेशन क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसका टैगलाइन है द पावर ऑफ ड्रीम्स। अपने सपनों को कैसे आप बड़ा करते हैं, ऊंचा करते हैं, होंडा सिटी ने इसलिए इसे अपना टैगलाइन रखा है। लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि टॉप एंड होंडा सिटी का जो सेगमेंट है वो किस मायने में ख़ास है और क्यों आपको एक बार ज़रूर इस पूजा में इस गाड़ी को देखना चाहिए, और ना सिर्फ देखना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। श्रीचंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें छोटी छोटी बारीकियाँ जो इन्हेंस की गई हैं वो बताएंगे। श्रीचंद, बहुत बहुत वेलकम न्यूज़ 11 भारत में। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट है और ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये आपका टॉप एंड सेगमेंट का है, तो इसकी खासियत पहले से कुछ फीचर्स इन्हेंस किए गए हैं, जो फ़र्क जो एक लेमन आएगा, एक आम आदमी आएगा, उसे कैसे बताएंगे कि इसमें क्या नया है, क्या ख़ास है इस सेगमेंट के लिए? देखिए, जैसा कि पहले आपने बताया ना कि सिटी की एक लेगेसी है, मतलब होंडा सिटी अपने नाम से ही जानी जाती है। इसकी जो स्टारडम है, ये सेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन जो इस गाड़ी में आपको मिलेगी वो अबव सेगमेंट है। मतलब अगर आप इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियों देखेंगे सब में प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो ये किंग है, मतलब प्राइस वाइज भी एक्सपेंसिव है। मैं अपने ऑडियंस को बताऊं कि ये अब आप समझेंगे अच्छे से कि क्यों ये खास है और जिस लेगेसी की बात की जा रही है होंडा सिटी के इस सेगमेंट की। जैसे अगर आप ये देखते हैं, ये ZX वेरियंट है, टॉप एंड वेरियंट है, तो इसमें हम लोग को की का इस्तेमाल नहीं करना है, सब पुश बटन से काम होगा। अगर मैं इसको दो बार दबा दूँ तो सारे बैटरी कनेक्शन आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने कहा था कि क्या नया है इस गाड़ी में, तो आप अगर इसके MID स्क्रीन को देखते हैं, ये कंप्लीट डिजिटल आ गया है। मतलब अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आपको टच स्क्रीन पैनल के तरफ में नहीं जाना है, ये कम्प्लीटली आप यहीं से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन इसमें आपको जी मीटर का भी ऑप्शन मिलेगा जो आपको बताएगा गाड़ी की ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे है, मतलब गाड़ी की स्टेबिलिटी कहाँ से कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। प्लस क्रूज़ कंट्रोल जैसी फीचर एकदम स्टैंडर्ड है जो कि गाड़ी को आपको हाईवे में बहुत ईज ऑफ राइडिंग का कंफर्ट देती है। जनरली इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग होती है, तो राइट साइड के जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए, पॉट होल्स हो गए, उसको आप देख सकते हैं राइट। तो जैसे ही आप लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली ORV मिरर के नीचे एक कैमरा माउंटेड है जो कि आपका लेन वॉच कैमरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारी तरीके से आपको ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करने में हेल्प करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे आपके टच स्क्रीन पैनल पे वो कैमरा ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर वही हम लोग पीछे के कंफर्ट की बात करें तो इसमें लेग रूम, नी रूम इतना शानदार दिया हुआ है। अगर मैं आगे वाली सीट को पूरी तरीके से पीछे कर दूं फिर भी आपको लेग रूम, नी रूम काफी बेहतरीन मिलेगा। और ये सेगमेंट जो है आपका, ये सनरूफ है, मूनरूफ है? नहीं, इसमें सनरूफ आता, मूनरूफ नहीं, मूनरूफ नहीं है, ये सनरूफ है। हाँ जी, तो हम देखना चाहेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस ये जरूर देखना चाहेगी कि सनरूफ का कैसा लुत्फ उठाया जा सकता है। ये आपको अंदर में स्विच मिलता है, अब इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सनरूफ, ओह यस, दिस इज सनरूफ सेगमेंट एंड आई एम कमिंग डाउन बिकॉज आई थिंक आई शुड। तो ये जो सेगमेंट है ये आपने देखा, भले ही मूनरूफ नहीं है बट सनरूफ है, और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं इजीली। और जैसा कि श्रीचंद ने बताया कि इसमें वो तमाम खूबियाँ हैं जो एक ईज़, ड्राइविंग ईज़ तो देता ही है, कम्फर्ट देता है, जो साथ में बैठे हैं, जो साथ में सफ़र कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सफ़र सुहाना तभी हो सकता है जब आपका हमसफ़र आपके जैसा हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिले, हर कदम पर आपका साथ दे। और होंडा सिटी का ये सेगमेंट
आपको वाकई बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हर वो खूबी है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके उस उन पैसों का एक एक मोल मिलना चाहिए ऐसे हम सफ़र को लेने के लिए, तो नो डाउट ये होंडा सिटी का ये आप मॉडल ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारी खूबियाँ भी बताई गई, एक सनरूफ भी आपको दे रहा है। तो अगर रांची जैसे टाउन में, झारखंड जैसे स्टेट में अगर आप बेस्ट मॉडल ढूंढ रहे हैं होंडा सिटी के सेगमेंट में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड यू कैन गो फॉर इट। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और सफ़र में हम आगे भी निकल चुके हैं, लेकिन देखिए सफ़र में हमने आपको जिन गाड़ियों से अब तक मिलवाया है उनमें इस गाड़ी से जब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताती हूँ। आजकल देखिए SUV XUV ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन इन ट्रेंडिंग गाड़ियों के बीच एक MPV भी है। जी हाँ, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या उसके अलावा आप मल्टीपर्पज व्हीकल जो है ये आप देखें, मारुति सुजुकी का ये जो नेक्सा सेगमेंट है, जिसने अगर हम कहें कि गाड़ियों की एक नई रेंज जब लेकर आई मारुति सुजुकी नेक्सा के ज़रिए, तो ये गाड़ी अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये है अल्फा। तो ये आपको कैसा फील कराएगा पता है, जैसे आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप फ्लाइट में बैठे हों। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, इसका कंफर्ट देखिए। अगर आप इस अगर इस गाड़ी में बैठकर आप लंबे सफ़र पे भी जा रहे हैं, लंबी जर्नी आपको तय करनी है, तो आपको ज़रा सा भी एग्जर्शन फील नहीं होने वाला, क्योंकि ये बता रहा है कि ये आपको कितना कंफर्ट देने वाला है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, उनसे बात करते हैं। सर अगर आप आएँ और सिर्फ पहले तो ये बताएं कि ये जो कंफर्टेबिलिटी है वो तो अपने आप में एक्सक्लूसिव है अल्फा रेंज की, लेकिन इसका डैशबोर्ड भी बहुत चेंज है, एक्सक्लूसिव है, कुछ स्पेशलिटी बाकी गाड़ियों से। स्पेशलिटी सबसे पहले तो हमारे पास सभी दर्शकों को और आपको न्यूज़ 11 टीम को दशहरा के पूर्व अवसर पर ढेरों शुभकामनाएँ। कमिंग ऑन टू आवर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, दिस इज़ आवर XL6 अल्फा ऑटोमेटिक वेरिएंट में। इसमें जैसा आप देख रहे हैं गियर लीवर, ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपका क्लच नहीं रहेगा। क्लच नहीं रहने के कारण आपका शरीर का बायां हिस्सा बिल्कुल फ्री रहता है, जस्ट लाइक स्कूटी। ईज़ ऑफ ड्राइविंग, और इसमें इनफाइनाइट गियर रेशियोज रहेगा। और चूंकि ये अल्फा वेरियंट है हमारा, तो इसमें सबसे अदर देन नेक्सा सेफ्टी शील्ड जो एक पैसेंजर, एक ड्राइवर और को ऑक्यूपेंट्स के लिए रहता है, नेक्सा सेफ्टी शील्ड के साथ साथ पैरामीटर्स हैं जिसमें दो एयरबैग हैं, ABS है, EBD है, सिटिंग कैपेसिटी एंड प्लस जो कंफर्टेबल जो कंफर्ट यहां पर दिया गया है वो वाकई बहुत खास है। ये खास इसलिए है कि इसको बिजनेस क्लास कैप्टन सीट बोलते हैं, तो जस्ट वही कंसेप्ट पर जैसा आपने एरोप्लेन से सीट की तुलना की, तो सेम बिजनेस क्लास सीट जो एरोप्लेन में रहते हैं वही है। जैसे बाकी गाड़ियों में होता है वो कंपाइल्ड होती हैं, तो बीच से आप गाड़ी रोकनी पड़ती है। हाँ, आप आ जा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल, तो वो है कि आप किसी भी स्पीड में आप चल रहे हो तो बीच से आप ट्रैवल कर सकते हो, आप मूव भी कर सकते हैं गाड़ी में बड़े इजीली। तो देखिए ये खासियत है, अगर आप अल्फा वेरिएंट के XL6 को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल फर्निश्ड और इतने स्टाइल में इसे डिज़ाइन किया गया है कि भले ही आपको ये लगे कि ये 6 सीटर्स है और एक आपको फील दे रहा है लाइक XUV SUV, लेकिन इसके अलावा आप इसे एक स्टाइलिश व्हीकल के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप इसकी डिज़ाइनिंग देखिए, नेक्सा ने स्पेशली ये 6 सीटर्स XL6 ये डिज़ाइन करवाया है, और इसमें आपने कंफर्ट के बारे में जाना ही, जिस तरह से बता रहे थे कि आप कहीं भी जाएं बीच में से आपको फिर मूव अगर करना है तो भी दिक्कत नहीं होगी, तो ये इसकी खासियत है अल्फा के XL6 की। तो अगर आप इस रेंज की गाड़ी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कंफर्ट भी मिले, एक ईज़ ऑफ ड्राइविंग भी मिले, साथ ही साथ पूरी फैमिली आराम से जा सके और सुरक्षित जा सके, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रीमियम गाड़ियाँ दिखानी इसलिए भी ज़रूर थी क्योंकि लोग अब सेडान क्लास ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, XUV ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सो वी डिड दैट। लेकिन अब मैं आपको ऐसी गाड़ियों को दिखाती हूँ
जिससे मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो इसे ओन करना ज़्यादा चाहती है। और सबसे ज़्यादा ऐसी ही गाड़ियों की बिक्री होती है, प्रीमियम क्लास को अगर हम छोड़ भी दें तो। उसमें अगर बात तो अभी हमारी नेक्सा यानी मारुति सुजुकी की हो रही है, और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप रास्ते पर निकलें, अगर 10 गाड़ियाँ आपको दिखें तो उसमें से 6 या 7 आपको मारुति सुजुकी की ही दिखेंगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ पॉपुलर हैं मारुति सुजुकी की, इसलिए भी इकोनॉमिकल हैं, रेंज भी बहुत अच्छा होता है, तो ज़्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन ये गाड़ी, ये बलेनो, ये सेगमेंट जो है, ये आजकल जो अपर मिडिल क्लास बोलें या मिडिल क्लास बोलें, इसमें काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। अगर आपके पास बलेनो है तो आप ये जानते होंगे कि मैं किस खूबी की बात कर रही हूँ। पहली बात तो आप जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, आप देखिए ये जो कंफर्ट आपको ड्राइविंग सीट पर मिलेगा, हमने इससे पहले जो अल्फा के एक वेरिएंट आपको हमने दिखाया था, वो सिटिंग कंफर्ट ड्राइविंग सीट पर आपको बलेनो सेगमेंट में भी मिलेगा। अबे ज़रा पीछे भी दिखाते हैं, कंफर्ट जोन सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी है। और ये देखिए, ये है बैक एरिया। अगर आप बैक सीट की बात करें तो बैक सीट पर अगर आप एक फैमिली अपने बच्चे के साथ जा रहा है तो वो इजीली मूव कर सकता है। आप अपने बच्चे को अगर आप आराम से ले जा भी दें तो भी ये आराम आपको, ये कंफर्ट आपको इस बलेनो में मिलता है। तो अगर इस पूजा आपने मन बनाया है कि इस सेगमेंट की गाड़ी को चूज़ करना है तो दैट कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हमारा सफ़र जारी रहेगा, लेकिन लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी रहेगा उमंगों का बाजार। बाज़ार में हम सफ़र में निकल चुके हैं, और इस सफ़र में अब तक जो भी हमें मिला है, सबकी खासियत हमने आपको बताई है। ये अल्ट्रोज़ एक ऐसी गाड़ी जिसे, ये प्रीमियम हैचबैक है। आप इसके कलर को पहले देखिए, ये कलर और इसकी स्टाइलिंग और ये दमदार फीचर के साथ ये प्रीमियम हैचबैक मार्केट में इस बार खासी डिमांड में है। और आपको बताएं कि ये इकलौती ऐसी गाड़ी है इंडिया में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की जिसे 5 स्टार दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कौशिक, उनसे बातचीत करते हैं। कौशिक, आप अगर इधर आएँ और ये बताएँ कि ये गाड़ी प्रीमियम हैचबैक है, क्यों खास है? अगर सबसे पहले हम लोग बात करें स्टेयरिंग का, तो स्टेयरिंग ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है मैम, ऊपर से ये लेदर रैपिंग स्टेयरिंग, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना स्मूथी और कितना स्टाइलिश लग रहा है। इसको आप इजीली एक हैंडसेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती मैम। ये आप जनरली देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैक सीट होती है वहाँ पर हुड होता है, जिससे अगर आप 3 लोग अगर बैठ रहे होते हैं तो उन्हें पैर रखने में दिक्कत होती है। लेकिन ये जो सेक्शन है, टाटा ने अल्ट्रोज़ को जो बनाया उसमें इस हुड को ख़त्म कर दिया गया। आप देखिए, अगर मैं बीच में भी, सेंटर में भी अगर बैठूँ, ये देखिए, अगर मैं सेंटर में भी बैठूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप इजीली, जैसे होता है आप जनरली वहाँ की लाइट प्रेस करते हैं उसके बाद गाड़ी में रोशनी होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर मून लाइट भी ऑप्शन दिया गया है, मून लाइट यूज़ किया गया है इस अल्ट्रोज़ में। और यही सब खासियत जो है, ये सारी खासियत इस गाड़ी को इस सेगमेंट में काफ़ी एक्सक्लूसिव बना रही है, काफ़ी ख़ास बना रही है। तो अगर आपका बजट 10 लाख का है और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रीमियम हैचबैक आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाटा एक बेस्ट ऑप्शन लेकर आया है मार्केट में। बने रहिए हमारे साथ, हम एक और नए हमसफर के साथ जुड़ेंगे और चलते हैं उसके पास कि क्या खासियत है अगले सेगमेंट में। 1998 में लॉन्च की गई सफारी, उसकी सवारी आज भी उतनी ही शान से होती है। इनफैक्ट हम ये कहें कि बहुत इन्हेंस कर दिए गए हैं फीचर्स,
जो भी डिज़ाइन है और जो प्लेटफॉर्म अब तैयार किया गया है वो काफ़ी इन्हेंस्ड है, और आज भी जब इस गाड़ी की सवारी होती है तो सफारी का वही लुत्फ वही मज़ा आता है। पहले क्या था, जब आप फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो वो डिस्कवरी है, और जब रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो वो लोटस है। ये प्रीमियम और लोटस की बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो जब ये सस्पेंशन रेडी किया जाता है तो तकरीबन जो 40 से 50 लाख की गाड़ियाँ आती हैं उसके लिए होता है, लेकिन आप 20 से 25 लाख में इस गाड़ी की सवारी कर सकते हैं, सफारी की सवारी कर सकते हैं। मैं आपको बैक सीट भी अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ये जो सिटिंग आप देख सकते हैं एरिया जो है, ये आपको थिएटर सिटिंग आपको मिलता है, थिएटर सीट मिलता है, जिससे आप कंप्लीट कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इतनी खूबियों के साथ टाटा ये सफारी लेकर आ रहा है, तो जाहिर है अगर आप इतने पैसे लगाना चाहते हैं और एक शान की सवारी ख़रीदना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं शॉपिंग के लिए तो पहुंच गई हूं, लेकिन गाड़ी कहां पार्क करूं ये मुझे पता नहीं चल पा रहा, और यहां तो पार्किंग भी फुल है। ऐसे ख्याल आपके मन में भी बहुत आते होंगे ना, और ये एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आते होंगे, लेकिन एक नया इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में। जी हाँ, हम सफ़र पर निकले हैं तो एक ऐसे सफ़र पे भी हम निकल पड़े हैं जहाँ आपको ये तक पता चल पाएगा कि अगर हम कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं, अगर हमें किसी मॉल में जाना है तो क्या वहाँ पर पार्किंग एरिया है, स्पेस है, क्या हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, या फिर मेरी ही तरह आप भी फंसेंगे? शायद नहीं, ये झंझट दूर करने वाला है MJ। कार एज ए प्लेटफॉर्म में हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ अटैच है, चूँकि आप जानते ही हैं ये MG की खासियत है, कोर स्ट्रेंथ है कि इंटरनेट कनेक्टेड है, और फुली इंटरनेट कनेक्टेड होने के साथ साथ हमें ये ऑप्शन मिलता है। मुझे ये बहुत इनोवेटिव लग रहा है, मैं तो बिल्कुल, ये क्या है? ये इस सेगमेंट का फर्स्ट इन क्लास फीचर है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल इंटेलिजेंस, यानी असिस्टेंट के जैसे काम करने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल, ये आपके साथ हमसफर बना रहेगा सफर में, क्योंकि ये बातचीत करता है और 100 इंग्लिश कमांड समझता है, ये हमेशा आपको अवेयर करते रहेगा, ट्रैफिक के टाइम में अलर्ट करते रहेगा। बिल्कुल, तो विशाल मैं अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि अगर आप MJ के इस वर्जन की बात कर रहे हैं, अगर इसे आप देखना चाहते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा हमसफर होने वाला है, क्योंकि ये न सिर्फ आपसे बातचीत करेगा बल्कि आपको गाइड भी करने वाला है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया है, इट्स ग्लेज रेड, और ये रेड जो है ना ये किसी को भी पसंद आ सकता है, मैं तो ये सिर्फ एक सिंगल कलर है। और कितने वेरिएंट्स हैं मैम इसमें? ऑल टुगेदर 5 अट्रैक्टिव कलर्स हैं, स्पेशली इंट्रोड्यूस कलर है स्पाइस्ड ऑरेंज, और अभी आप जो डिस्प्ले में कार देख रहे हैं वो है ग्लेज रेड, इसके साथ और 3 कलर्स आते हैं, कैंडी व्हाइट, स्टेरी ब्लैक एंड अरोरा सिल्वर। ये 12 क्वाड है एंड ये 17 इंच है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस ग्रिप आपको कितना अच्छा कितना बढ़िया मिलने वाला है। और देखिए SUV के रेंज में अगर आप गाड़ियां लेने वाले हैं ना, तो इट कैन बी अ परफेक्ट चॉइस, बिकॉज आप इसके व्हील्स को देखिए, आप इसकी डिजाइनिंग देखिए, और सिर्फ डिजाइनिंग की बात नहीं, स्टाइल देखिए, और फ्रंट भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हेडलैम्प में LED DRLs लगे हुए हैं जो कि बूमरैंग शेप है, और यहाँ आप देखिए 9 डायमंड क्रिस्टल्स है जो कि इस कार के फ्रंट लुक को बिल्कुल ही अट्रैक्टिव बनाती है, साथ ही साथ अलग से यहाँ पे फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही साथ में तो अगर आप इधर आए, अगर आप जो बैक सीट जी कंफर्ट बाहर के साथ साथ अंदर में भी विशाल इंटीरियर कलर्स ऑप्शंस है। विशाल सबसे बड़ी बात मिथुन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये एक अलग है यहाँ पर आर्मरेस्ट मिडिल पर्सन के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर विद लीड है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, देखिए इनफ लेग रूम है, हेड रूम है और शोल्डर रूम है, और आप लॉन्ग जर्नीज में आराम से सफर करते समय यहाँ पे अपने हाथ को रख सकते हैं, और साथ ही साथ देखिए ये लीड ओपनर के साथ 2 कप होल्डर्स भी है जो कि इस सेगमेंट के यूनिक फीचर्स में है। आपने सामने का फीचर देखा, सामने की स्टाइलिंग देखी, ये हैचबैक का ये जो बैक पोर्शन है इससे भी आप देखिए ये कितने बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन किया हुआ है, ये इसका डिक्की स्पेस भी कैसा है जरूर मैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए ये बहुत स्टाइलिश है लीड ओपनर, यहाँ से हम लोगों से पिक करते हैं और ये बहुत इजीली होता है, और यहाँ पे एम्पल लगेज स्पेस दिया हुआ है, तो ये आप बूट स्पेस पांच लोगों के सफर में जाने के हिसाब से इस बूट स्पेस को क्रिएट किया गया है, आप 5 लोगों का सारा सामान एक साथ कैरी कर सकते हैं बहुत इजीली।
सो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी किसी के दिमाग में। आप देखिए, आपको न सिर्फ सिटिंग कंफर्टेबिलिटी मिल रही है बल्कि इसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी जर्नी को और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। और लास्ट में मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ क्योंकि इस सेगमेंट में ये ऑटोनोमस लेवल 2 14 यूनिक फीचर्स के साथ है जो आपको सिटी एज वेल एज हाईवे ड्राइविंग में हमेशा सेफ्टी प्रोवाइड करते रहेगा। चलिए, तो सेफ्टी मेजरमेंट्स में भी ये परफेक्ट है। तो आइए एमजी और इसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। और वाकई अब तक जो गाड़ियां आपने देखी होंगी उनमें ये सबसे एक्सक्लूसिव है। और एक्सक्लूसिव हो भी क्यों ना, इसके फीचर ही इतने स्मार्ट हैं। आप इसे ऑल इन ऑल स्मार्ट कार ज़रूर कह सकते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेगा और आपके सफ़र को और भी शानदार बनाएगा। पंछी बनूँ उड़ते फिरो मस्त गगन में, एसयूवी गाड़ियों के रेंज में जब से सनरूफ और मूनरूफ इंडियन मार्केट में आया तो कुछ ये वाली फैसिलिटीज़, कुछ ये वाली फीलिंग सबके मन में होती होगी कि हम सफ़र कर रहे हों और कुछ कार के शीशे ऊपर से खुलें और हम ऊपर से देख सकें अपने सफ़र को। और कुछ ऐसा ही रेंज आपको हुंडई के क्रेटा में मिलेगा जिसमें आपको सनरूफ मिलता है, मूनरूफ मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत वाइड पोर्शन है और ये है हुंडई का अल्कज़ार। जी हाँ, ये अल्कज़ार जिसमें आपको पैरानोमिक सनरूफ मिलता है, इसमें आपको मूनरूफ भी है और आप सनलाइट मूनलाइट दोनों का मज़ा ले सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसे स्पेशल बना रहे हैं और इसकी स्पेशलिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी की बुकिंग के लिए महीनों पहले से बुकिंग चल रही है। तो ये पूजा बाजार हुंडई लेकर आया है ये खास मॉडल जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम भी लेते हैं थोड़ा सा मज़ा इस सनरूफ का। इन दिनों मार्केट में एसयूवी कार्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए आप देखिए, मैंने जितने भी कंपनीज़ के कार के फीचर्स आपके साथ शेयर किए उनमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि एसयूवीज मॉडल को, एसयूवी सेगमेंट को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा है ताकि इसकी बिक्री ज़्यादा हो। और हुंडई की क्रेटा आप पहले से वाकिफ हैं, लेकिन ये जो है ये अल्कज़ार ये एक्सक्लूसिव है। तो मैं स्टेयरिंग पर नहीं हूँ, स्टेयरिंग पर हमारे साथ हैं मनोज और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मनोज क्या खासियत है ये अल्कज़ार की। हम देख रहे हैं डैशबोर्ड भी बिल्कुल फिनिश आउट है एंड ये सन और मूनरूफ जिसे आप पैरानोमिक टेक्निकल में आप कह रहे थे कि ये पैरानोमिक है, क्या कुछ स्पेशल? फर्स्ट 7 सीटर और 6 सीटर सेगमेंट की कार है ये एंड इट्स अ प्योर एक्सयूवी जिसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स डाले गए हैं जो कि इस प्राइस रेंज में, इस बजट प्राइस रेंज में और किसी भी कंपनी की गाड़ियों में। और अगर हम ये इसमें कुछ पहले से इन्हांस किया गया हो, क्योंकि एक्सयूवी अगर है ये तो क्रेटा भी आपकी उसी सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें क्या स्पेशल उससे अलग? इसमें स्पेशल उससे अलग ये किया गया है मैडम कि इसमें सबसे पहले तो आपको 360 डिग्री कैमरा डाल दिया गया है। हाँ। जिससे आप पार्किंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। साथ में आपको 10.2 इंच का एक टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम डाला गया है जो कि प्योर एंड्रॉयड है। देखिए, हाईवे पर चलने के लिए तो नो डाउट एक्सयूवी इज द बेस्ट वन, लेकिन अगर हम इसे सिटी में लेके निकले तो इसका टर्निंग रेडियस और बाकी चीज़ों की बात करें तो क्या हैंडलिंग आसान है? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मैडम। इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत ही मिनिमम है इसका एंड सिटी ड्राइविंग की पर्पज से बात करो तो काफ़ी कम्फर्टेबल है, लोग परचेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका मार्केट अभी ग्रूम किया हुआ है आफ्टर लॉन्चिंग। जो मनोज जी, आप अगर हमें बैक साइड से आके ये भी बताएं, क्योंकि देखिए हम जितनी भी कार्स दिखा रहे हैं, जितने भी मॉडल्स हमने दिखाए हैं उसमें कंफर्टेबिलिटी की तो बात हो ही रही है। अभी मनोज मैं इसलिए आपको बैक सीट पर लेकर आई क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी कार्स हमने, जो टॉप एंड मॉडल्स देखा है, जो नई कार्स हमने देखी, उनमें बहुत खासा ध्यान रखा गया है कंफर्टेबिलिटी को लेकर। आप कितने कंफर्ट तरीके से आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं उस पर बहुत फोकस किया गया है, सीट पर बहुत फोकस किया गया है। जी मैडम, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है सीट को, ड्राइविंग प्लेजर को तो ध्यान में रखा गया है, साथ में जो पीछे सीट पर बैठने वाले लोग हैं उनके भी कंफर्ट को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। देखिए ये कैप्टन सीट ताकि पीछे विशाल आप दिखा सकते हैं। हाँ, ये इसे क्या हम ये पूरा स्पेस बन जाता है, हम चाहें तो इसे फोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरा फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, डिमांड में बहुत ज़्यादा है अल्कज़ार,
आप बोल रहे हैं कि बुकिंग पहले से ही चल रही है, हाँ तो ये अगर हम बोले इसमें के लिए कंपनी ने क्या ऑफर्स, क्या कुछ डिस्काउंट रखा है? नहीं मैडम, इसमें कंपनी कोई ऑफर स्कीम नहीं दे रही है, क्योंकि न्यूली लॉन्च्ड गाड़ी है और इतना डिमांड होने की वजह से भी गाड़ियों का हम लोग सप्लाई पूरा नहीं कर पा। ये चमचमाती कार अगर आप देख रहे हैं अल्काज़ार, जो हुंडई का बेस्ट मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, जो SUV सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन SUV सेगमेंट की गाड़ी आपको दे रहा है एक प्योर कम्फर्ट और एक ऐसी राइड जो आप हमेशा से सोचते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी एक अच्छी जर्नी कर सके और एक कंफर्टेबल जर्नी कर सके। तो अगर आप आपके बजट आपका बजट अगर 20 to 22 lakhs है तो आप अल्काज़ार को बुक कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये ड्यू बुकिंग है, आपको बहुत पहले लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप अल्काज़ार की सवारी कर पाएंगे। तो चलिए इस सेगमेंट में हमारे साथ इतना ही, हमारे साथ साथ आपका भी सफ़र सुहाना हो। उमंगों के बाज़ार में अगर आप निकले हैं तो उमंग भरी खरीदारी भी करिए और न्यूज़ 11 भारत आपको देता है ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।